हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम राम यादव। शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। इसमें एक साइंस का टॉपिक दे रखा है, उसमें पदार्थ की अवस्थाएँ दे रखी हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जस्ट इसका उल्टा अणु होता है। ऐसे अणु किसे कहते हैं? तो अणु किसी पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, मतलब स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। संसंजन बल किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? संसंजन बल कहते हैं। आसंजन बल तो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आसंजन बल कहते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनकी विशेषता क्या होती है? ठोस पदार्थों के अणुओं एक दूसरे के अत्यधिक निकट होते हैं। इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जिसके कारण जो आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। और इसी के कारण से पदार्थ की जो आकृति होती है और आयतन निश्चित होता है। और द्रव के क्या है? द्रव के अणुओं के बीच परस्पर दूरी या अंतरआणविक स्थान अधिक होने के कारण इसमें अंतरआणविक आकर्षण बल ठोस की तुलना में क्या होता है? कम होता है। द्रव स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं जिससे इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती आकृति होती है, और जो आयतन होता है वो इसका निश्चित होता है। गैस के अणुओं के बीच में आज जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है, और इनकी आकृति और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अब तत्व की बात करें तो सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था वो रॉबर्ट बॉयल ने 1661 ईस्वी में किया था, और सर्वप्रथम तत्व शब्द को परिभाषित किया था वो A.L. लवाइजिए ने किया था। उन्होंने बताया था कि तत्व के अणु में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। अब यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और जो अनिश्चित में मिले उसे मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण कैसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक या दोनों अनिश्चित अनुपात में मिले रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है कि इसमें अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, जैसे जल में नमक, चीनी में, जल में चीनी को घोला बना लेते हैं तो उसमें अलग अलग आँखों से नहीं देख सकते, तो उन्हें क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण कैसे कहते हैं? इनमें अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, इन्हें विषमांगी पदार्थ कहते हैं। जैसे कोयला और बालू को मिलाओ तो उनको अलग अलग देख सकते हैं, तेल व पानी को मिलाओगे तो उन दोनों को भी अलग अलग देख सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। अब पायस किसे कहते हैं? तो बिलियन और बिलय और विलायक, जो बिलय और ब्लैक दोनों ही द्रव हों, दोनों द्रव हों तो इन दोनों से बने कोलाइडी विलयन को पायस कहते हैं। जैसे शैम्पू, तेल, पॉलिश, नेल पॉलिश। और मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो दो धातुओं को पिघलाकर आपस में मिलाकर ठंडा करने पर धातुओं का समांगी मिश्रण प्राप्त होता है जिसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, तो तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती है, इसको 2:1 के मिलाते हैं तो इस प्रकार से क्या हो गई है? मिश्र धातु हो गई। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।